कपूरथला के गांव सिकरी में गांव के ही एक गुरुद्वारा साहिब में पिछले 5 साल से तैनात ग्रंथी सिंह द्वारा गांव की ही एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कत्ल का मामला सामने आया है। मृतक लड़की और उसका भाई उक्त ग्रंथी के पास गुरमत ज्ञान प्राप्त चलते तबला बजाने की कला सीखते थे और इसके चलते उक्त ग्रंथी जिसकी पत्नी कुछ कारणों के चलते ग्रंथी सिंह से अलग रह रही थी, उसका अपना शिष्य के घर आना जाना था। इसी के चलते ग्रंथी का पूरा परिवार से अच्छे संबंध थे, पर अचानक ही रविवार को सुबह घर से गांव के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने गई, जहां पर उक्त ग्रंथी बतौर मुख्य ग्रंथी ड्यूटी करता था। जब देर शाम तक अर्शप्रीत कौर का कुछ पता नहीं चला तो जब गुरुद्वारे में गहनता से जांच की गई तो अर्शप्रीत कौर को गुरुद्वारे के पीछे एक जगह पर मृत पाया गया और पुलिसिया जांच में शक उक्त ग्रंथी पर आया और आशंका है कि उक्त ग्रंथी सिंह ने अपनी उक्त शिष्या से पहले बलात्कार करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसे अपने गले में डाले कपड़े से अधमरा कर दिया। यही नहीं, आरोपी ने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में प्रयोग होने वाले बड़े चाकू से उसका गला रेत हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही उक्त परिवार, जिसमें मृतक की माँ आंखों की रोशनी नहीं है तो पिता अंगहीन है, उनका हाल बेहाल है और क्षेत्र में नमोशी का आलम है। ਉੱਥੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਰਦ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਤਲਬ 8-9-10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਨੀਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। पुलिस ने मृतक की लाश गुरुद्वारा साहिब के बाथरूम से खून से लथपथ हालत में बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ग्रंथी सिंह पर मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अनुसार उस पर लगे बलात्कार के दोषों के लिए मेडिकल रिपोर्टों के बाद ही पुष्टि हो सकेगी। पिंड सिकरी तो गुरुद्वारा साहब नितनेमी जाती सी, कल करीब 9-10 के विचकार गुरुद्वारा गई, उत्थे भाई भुपिंदर सिंह करीब 5 साल तो उत्थे गुरुद्वारे धार्मिक स्थान पर ग्रंथी का काम करता है। कल उन्हें इनू अटैम्प्ट करने की कोशिश की, उस तो बाद मर्डर करता। शाम को पुलिस को इनफॉर्मेशन मिली कि कुड़ी लभदी नहीं गई, उसते SHO गया मौके पर जाके इनवेस्टिगेट किया, तो नाल ही बंदे नू राउंड अप किया और गल भी क्लीयर हो गई और ग्रंथी मन भी गया, जिहड़ा धर्म स्थान पर ग्रंथी लगा उन्हें इस लड़की का अटैम्प्ट करने की कोशिश की, उस तो बाद लड़की ने रौला पाया तो उस तो बाद उन्हें वह तेज हथियार मर्डर करता जिन्हों अरेस्ट कर लिया, जिसते मुकदमा नंबर 47 कल दर्ज किया गया। वैसे तो पुरातन समय से ही समाज में धार्मिक स्थानों पर सेवा करने वाले लोगों को समाज में सम्मान और गुरु के उपदेश को समाज तक पहुँचाने का एक रास्ता भी समझा जाता है, साथ ही गुरु शिष्य के रिश्ते को भी पाक पवित्र नजरों से देखा जाता है, पर इस घटना से इन दोनों रिश्तों को एक अमानवीय हरकत ने तार तार कर दिया है।